फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स में। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे नीट के रिजल्ट के बारे में, क्योंकि नीट यानी एनटीए ने अपनी नीट रिजल्ट की फिक्स डेट जारी कर दी है। ये कई दिन पहले की थी, लेकिन मैंने वीडियो लेट अपलोड किया है। लेकिन आपको ये जानकारी दे देते हैं कि इसका कट ऑफ कितना जाने वाला है और इसका जो रिजल्ट है फिक्स डेट किस दिन और किस टाइम आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में प्रेस करें ये बेल आइकन, जिससे कि हमारा कोई भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लेकर चलते हैं आपको एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट, जहां पर आपको इसके रिलेटेड कोई नोटिस मिलता है या नहीं मिलता है ये चीजें देखते हैं। फिर उसके बाद हम अपने एक्सटर्नल रिसोर्सेज से पता करेंगे कि आखिर में कट ऑफ कितना जाएगा और रिजल्ट कब आएगा। तो यहां पर देखिए, हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ जाते हैं। स्क्रीन पर आने के बाद यहां पर सबसे पहले हमको एनटीए की वेबसाइट नीट की उसको ओपन करके देखना है आखिर क्या नोटिस है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि एनटीए ने फिक्स रिजल्ट डेट जारी की है। ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहां पर हम नीट की वेबसाइट ओपन करते हैं। देखिए, neet.nta.nic.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। देखिए, एडमिट कार्ड भी यहीं से डाउनलोड हुए थे। ये जो भी नोटिस होता है वो यहां पर मिलता है, जो भी नीट के बारे में एनटीए रिलीज करता है। तो यहां देखिए, पब्लिक नोटिस में आते हैं, एडवाइजरी है, जो कि 17 जुलाई में यहां पर नोटिस आया था। उससे पहले 11 जुलाई में, 28 जून में, यानी अभी लेटेस्ट कोई भी नोटिस आपको यहां पर दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वो आंसर की को लेकर हो या फिर रिजल्ट को लेकर हो। दोस्तों, जब एनटीए ने कोई भी नोटिस जारी नहीं किया तो सब लोगों ने कैसे पता कर लिया कि नीट का रिजल्ट 18 अगस्त को आएगा? और हम आगे जाते हैं, गूगल पर टाइप करते हैं नीट रिजल्ट 2022 डेट 18 अगस्त, ये सर्च करते हैं। तो यहां पर काफी सारे न्यूज ऐसे मिल जाएंगे आपको, जिसमें कहा गया है कि 18 अगस्त को, देखिए 18 अगस्त को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहां पर काफी सारी न्यूज़ हैं, तो हम आपको बता दें दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। 18 अगस्त में जो रिजल्ट की डेट बताई है वो रिजल्ट की डेट नहीं है, वो एक्चुअल में आंसर की डेट है, क्योंकि 18 अगस्त में एनटीए नीट की आंसर की रिलीज करेगा और 18 अगस्त फिक्स उसने नोटिस में जारी नहीं किया, ये सिर्फ अनाउंसमेंट है। तो इसमें 18 में 19 भी हो सकता है और 18 में 17 भी हो सकता है, यानी कल भी आपकी आंसर की आ सकती है और हो सकता है 18 में आए। और आंसर की आने के बाद लगभग 15 दिन के बाद रिजल्ट जारी होता है, और ये चीज हमने पिछले सालों के रिजल्टों को देखकर निकाली है, क्योंकि जो आंसर की जारी होती है उसके बाद में करीब 15 दिन के बाद इसका रिजल्ट जारी किया जाता है। इसलिए ये बिल्कुल गलत है कि 18 अगस्त को रिजल्ट आएगा, 18 अगस्त को आंसर की रिलीज की जाएगी, उसके बाद करीब 15 दिन के बाद इसका रिजल्ट घोषित किया जाएगा। और अगर कट ऑफ के बारे में बात करें दोस्तों, आपको बता दें इस बार कट ऑफ काफी कम रहने वाली है, क्योंकि जो पेपर था वो काफी हार्ड था। काफी सारे स्टूडेंट से हमने पूछा कि ये जो एग्जाम था नीट का कैसा रहा, तो उन्होंने बताया, जिन लोगों ने लास्ट बार दिया था एग्जाम उन्होंने बताया, लास्ट बार के मुकाबले इस बार काफी सारे क्वेश्चंस ऐसे थे जो काफी हार्ड थे, और कुछ क्वेश्चन उसमें ऐसे भी बताए थे जो आउट ऑफ कोर्स थे। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो 600 के आसपास रहेगी। जनरल के लिए 610 हो सकती है या 590 हो सकती है, और अगर एससी एसटी की बात करें तो उससे 20 नंबर कम कर लीजिए, और ओबीसी की बात करें तो 5 नंबर का डिफरेंस उसमें रहता है। तो दोस्तों, आपको बता दें 600 के आसपास ही इस बार कट ऑफ रहेगी। बाकी एडमिशन की बात आप सब जानते हैं कि जो नॉर्मल एडमिशन होते हैं, जैसे कि बीएमएस या फिर कोई और एडमिशन, तो उसका स्कोर काफी कम हो तो भी कॉलेज वाले एडमिशन ले लिया करते हैं, तो टेंशन की बात नहीं है। लेकिन 600 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, नीट को लेकर आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर हमसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।